थ्री फैंस हैं, तीन फैन है, ठीक है। फैन वन, फैन टू और फैन थ्री, तीन फैंस हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीनों को आपने 450 में खरीदा है, परचेज कराया, मतलब कॉस्ट प्राइस है इसकी। कॉस्ट फैन वन की सीपी वन लिख रहा हूँ मैं, फैन वन की है, फैन टू की सीपी टू, इसकी भी 450, तीनों आपने खरीदी। थ्री विल बी अगेन 450। ओके, या दिस इज वेरी इजी। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है। अच्छा, टोटल सीपी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बट विल बी टोटल सीपी ऐड कर लो, 450, 450, 900, 900, 450 विल गोइंग टू गिव यू 1350 ना। इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। कोई भी एक, मैं पहला वाला ले रहा हूँ, सपोज पहले वाले फैन को मैंने लॉस में बेचा, कितने लॉस में, 10% के लॉस में, ओके, 10% के लॉस में बेचा, तो ये मैंने कितने का होगा, एसपी वन में निकाल लेता हूँ। तो एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, 450, 10% लॉस का मतलब है 90/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पर एसपी वन कितना आ गया, 9 5 45, कैरी 4, 9 4 36, तो 405, ठीक है। 450, 450 का जो पंखा है, एक पंखा आपने 405 में बेचा, तो आपको एक पंखे में लॉस हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है, अब आप इन दो पंखों को कितने बेचोगे ताकि आपको जो गेन हो 20% हो, टोटल टोटल गेन। देखो, अगर आपको गेन 20% होता, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको गेन 20%, देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, टोटल सीपी आपको पता है कितना है, 1350, ठीक है। इतने पैसे आपके खर्च हुए हैं, आपने इतने पैसों में फैंस को खरीदा है, आपको गेन कितना चाहिए, टोटल गेन चाहिए आपको 20%। तो आप कमाना है, सेलिंग प्राइस कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, सो दैट सेलिंग प्राइस, दैट टोटल प्राइस, अगेन एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, 1350, ओके। 20% गेन का मतलब है 120/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सो 135 × 12 कितना जाएगा, सो दिस विल बी 270 × 135, 0 4 5 0, ठीक है, 1620 रुपीज कमाने हैं, समझ रहे हो। दिस इज नथिंग बट द टोटल एसपी, तभी मुझे 20% का प्रॉफिट, मुझे इतना, इतने पैसे मुझे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न 1620 रुपीज। अब पहले में तो मैंने 405 आ दिए हैं, ठीक है। अब मैं दो पंखों को किस प्राइस में बेचूंगा, मुझे 1620 कमाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो टू फैंस हैं, उनको मैं बेचूंगा, टू फैंस की एसपी कितनी होनी चाहिए ताकि मुझे 620 मिले, तो 16 टोटल एसपी में से एक फैन के एसपी को आप माइनस कर दीजिए 405, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यू विल गेट 1515, ओके। तो दो पंखों की, ताकि आपको ओवरऑल 20% का गेन मिले, जब दो 1215 के बेचेंगे, ठीक है। दो पंखे वैसे 900 के, आप उसको 1215 की बेच देंगे, तो आप दो पंखों से 1215 रुपये कमाएंगे, और एक पंखे से आपने 405 कमाए हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 1620 आएगा, तो 1620 रुपये आपने कमाने थे, तभी आपको 20% का प्रॉफिट मिलता, ठीक है। वो कैसे निकाला हमने, टोटल सीपी हमारे पास दिया था, टोटल प्रॉफिट हमसे 20% का कह रहा था, ठीक है। वहां से हमने टोटल एसपी निकाल दिया, हम समझ गए कि हमें 1620 रुपीज को अर्न करना है। तो पहले वाले फैन में तो हमें लॉस हो गया, हमने 450 का पंखा 405 में बेच दिया, तो रिमेनिंग दो पंखों को हमें ज्यादा में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा में कितने, ज्यादा में बेचा हमने 1215 रुपीज में, हमने दो पंखों को बेचा। आप इन दो पंखों का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, दो पंखों का अलग आएगा, ओवरऑल 20% है, दो पंखों का निकालोगे, दो पंखों का सीपी कितना जाएगा 900, और दो पंखों का एसपी कितना है 1215, तो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो दो फैन का। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा था, एट व्हाट प्राइस शुड बी अदर टू बी सोल्ड, किस प्राइस में हम दो पंखों
जो बाकी के बचे पंखे उनको बेचेंगे ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो होल ट्रांसेक्शन में. ओके, सो 1215 इज द राइट आंसर.